और मेरे भाई लोग कैसे हो यार। होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने BGMI एंड PUBG मोबाइल के मंथ 12 के रॉयल पास के बारे में। यहाँ पे फाइनली अभी हमारे गेम के अंदर M12 जल्दी ही आने वाला है C2X6 के अंदर ही। तो यहाँ पे इसका जो नेम होगा टॉय वर्ल्ड होगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आप लोग को पूरा 150 RP रिवार्ड यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मंथ 12 के रॉयल पास का। एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये लीक्स कैसी लगी। 100% कन्फर्म है जो कि आपको M12 के रॉयल पास के अंदर देखने को मिलने वाली है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग दोस्तों आपका M12 का कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोगो होगा। एंड उसका जो नेम है टॉय वर्ल्ड होने वाला है, बोल सकते हो थीम नेम जो है वो टॉय वर्ल्ड है। एंड स्क्रीन पे आप रिवार्ड्स देख सकते हो। यहाँ पे हम अपग्रेड पास पे क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पे आपका कुछ ऊपर से लुक। एंड इसके बाद यहाँ पे बात कर ले इलाइट पास की। अगर आप इलाइट पास बाय करते हो अपना प्रीमियम वाला तो आपको क्या मिलेगा, जिसके लिए शायद हमको 900 UC पे करना पड़ता है। तो अगर आप उसको बाय करते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा नीचे ले जाने के बाद यहाँ पे पहले आप सारे रिवार्ड्स देख लो, उसके बाद यहाँ पे आपको जो आप 900 UC पे करोगे तो आपको एक फ्रेम मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे इमोट, इन्होंने अपने पुराना वाला इमोट यहाँ पे ऐड किया। तो कौन सी इमोट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इमोट के ऊपर भी यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो इमोट आप लोग यहाँ पे देखो, मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। ये हमारा इमोट, तो इमोट के अंदर यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इमोट्स ऐड किए हैं जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इनमें से सारे के सारे इमोट मेरे पास पड़े। एंड ये वाला भाई इमोट तो एकदम नेक्स्ट लेवल का। ये जो भी यहाँ पे ये अपना डोज करके इमोट है, ये भाई नेक्स्ट लेवल का है, मेरे पास भी पड़ा है। एंड उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने Level 1 RP रिवार्ड के बारे में, जो कि आपका कैप्टन हैप्पी सेट एंड इसी का कैप्टन हैप्पी कवर भी देखने को मिल जाएगा। कमेंट करना कि आपके पास कौन सा इमोट है एंड कौन सा इमोट आप लेना चाहोगे। अगर आप 900 UC लगा सकते हो तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो Level 1 का जो आउटफिट है मुझे पसंद आया। कमेंट करना कि आपको ये चीज अच्छी लगी कि नहीं लगी। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्टन हैप्पी कवर भी देखने को मिल जाएगा जो कि ठीक ठाक है। दोनों आउटफिट मतलब आउटफिट का कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद आपको लेवल 10 पे एक बैग की स्किन देखने को मिल जाएगी जो कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा प्रीव्यू में। तो यहाँ पे पहले कार 98 की स्किन देख लेते हैं। तो यह जो आपकी कार 98 की स्किन है, वैसे कार 98 नहीं, मोसिन एग्नेट की स्किन है जिसका नेम होने वाला है क्रिमसोन फ्लेम गन। तो ये स्किन भी भाई साहब बहुत ही मस्त लग रही है। मोसिन एग्नेट की स्किन बहुत ही कम बंदों के पास होगी, आई थिंक मेरे पास भी नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे बोल सकते हो आपको यहाँ पे मिलने वाला अपना मोसिन एग्नेट की स्किन, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे लेवल 10 पे जैसा कि मैंने आपको बताया एक बहुत ही बेकार सा बैकपैक की स्किन देखने को मिलने वाले यहाँ पे देखते हो। फिलहाल इसका कोई लीक वीक टेक्सचर नहीं आया, सो इससे बढ़िया प्रीमियम क्रेड के बैकपैक यूज कर लो। मुझे पता है भाई सबको मिल जाता है प्रीमियम क्रेड के अंदर से कुछ ना कुछ। तो उसके बाद थोड़ा और आगे जाने के बाद आपको फिर से अपना एस प्रोटेक्शन का देखने को मिल जाएगा। लेवल 15 पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अपना ग्रास पे विक्ट्री करके कुछ इस तरीके का एक सिंपल सादा सा इमोट। एंड स्टन ग्रेनेड की स्किन आपको देखने को मिल जाएगी, देख सकते हो स्पेस क्राफ्ट स्टन ग्रेनेड जो कि आई थिंक पहले भी यहाँ पे इन्होंने दिया था कहीं पे, कुछ इसी का कॉन्सेप्ट था। मतलब उन्होंने थोड़ा बस कलर बदला है लेकिन उन्होंने भी अपना प्रीमियम क्रेड से हटा के इन्होंने अपना आरपी क्रेड के अंदर डाल दिया, बोल सकते हो रॉयल पास के अंदर डाल दिया। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं लेवल 20 पे आपको पैरासूट देखने को मिल जाएगा जो कि भाई ज्यादा खास तो नहीं है। आप लोग कमेंट करना भाई साहब ये बहुत ही बेकार मुझे लग रहा है, भाई साहब इसमें क्या टेक्सचर है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इन्होंने ऐसा लग रहा है भाई एक आदमी खड़ा कर दिया बीच में, जाने दो। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्पेसशिप का देखने को मिल जाएगा ऑर्नामेंट, इसका नेम ही होने वाला है स्पेस क्राफ्ट ऑर्नामेंट। एंड यहाँ पे KBLMA का इमोट भी आ रहा है जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लीक्स आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। एंड हो सकता है इससे गेम को कहीं ना कहीं खतरा भी हो जाए, आप लोग समझ सकते हो, इशारे काफी होते हैं समझदार लोगों के लिए। एंड 23 लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको UC देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक फिर से आउटफिट देखने को मिल जाएगा 25 लेवल पे जो कि ज्यादा खास आउटफिट नहीं है। हम यहाँ पे सीधा चलते KBLMA के इमोट पे, बट उससे पहले यहाँ पे आपको एक रूम कार्ड देखने को मिल जाएगा। एंड थोड़ा और आगे जाने के बाद लेवल 13 पे आपको एक एरोप्लेन फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फियर्स लैंड फिनिश। एंड उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका देख सकते हो KBLMA का इमोट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बट इन्होंने नेम यहाँ पे चेंज कर दिया ओवर हियर करके। एंड सेम टू सेम भाई साहब यहाँ पे KBLMA का इमोट है भाई, हाथ हाथ इसने इशारे किए वहां तक ठीक है, बट वापिस लास्ट में ये हाथ ऊपर कर देता है, मतलब पूरा A to Z कॉपी है। सो इससे गेम खतरे में पड़ सकता है, आप लोग समझ सकते हो, जाने दो। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको Win 94 की यहाँ पे आपको केक फिस्ट करके एक आपको देखने को मिल जाएगा अपना स्किन जो कि बेसिक्स स्किन है, बट यस अगर आपके पास स्किन नहीं है, वैसे किसी के पास नहीं होगी तो ये ज्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री में। एंड उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे हम चलते और लेवल 14 पे यहाँ पे देखते हैं हमको क्या मिलता है। यहाँ पे आपको एक AUG गन की स्किन देखने को मिलने वाली है जो कि बहुत ही बेस्ट लग रही है। मतलब यहाँ पे इनको थोड़ा जो कलर है थोड़ा और डार्क करना चाहिए था, बट फिर भी ठीक ठाक है। एंड देखते हैं इन गेम लुक कैसा दिखाई देता है, जैसी लीक्स आ जाएगी तो मैं आप लोग को जरूर प्रोवाइड कर दूंगा।
दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पे लेवल 45 पे यहाँ पे आपको फिर से मतलब अपना 43 पे यूजिंग मिल जाएगी, 45 पे आपको अपना आरपी बैच देखने को मिल जाएगा। एंड अभी बात कर लेते हैं अपने 50 आरपी के मिथिक आउटफिट के बारे में, आपका मिथिक आउटफिट किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो ये था हमारा आज का रॉयल पास, तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आपका 50 आरपी का मिथिक आउटफिट, जो कि बहुत ही कम बंदों को पसंद आएगा। पर्सनली मुझे तो भाई ये चीज़ें मतलब ये आउटफिट पसंद नहीं आया। तो अभी बढ़ते हैं अपने 50 आरपी के मिथिक आउटफिट की ओर। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपका 50 आरपी का मिथिक आउटफिट होने वाला है। कमेंट करके बताना कि आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया। कुछ लोगों को तो ये एक सूट की तरह लग रहा है, बट पर्सनली मुझे ज्यादा खास नहीं लगा। बट हाँ, देखते हैं इन गेम किस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। एंड रेडीम सेक्शन के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके का यहाँ पे मतलब आउटफिट देखने को मिलेंगे। एंड आपको आरपी एडवेंचर के अंदर आपको एक पेन की स्किन देखने को मिलने वाली है। ये भी अपना स्पेस क्राफ्ट के ऊपर ही जहां तक मुझे पता है ये डिफेंडेड है, तो अभी फिलहाल चाइनीज में नाम लिखा गया। एंड एमटोल का जो आरपी क्रेट आने वाला है भाई साहब, वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। इसके अंदर मिथिक ही मिथिक भरे पड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो पूरा सीजन 13 का पूरा रॉयल पास यहाँ पे इन्होंने भर के रखा है। एंड रेड कमांडर सेट शायद ही मेरे पास होगा, मुझे जहां तक याद है शायद होगा मेरे पास, मुझे इन्वेंटरी चेक करनी पड़ेगी। तो रेड कमांडर सेट का भी एकदम अलग ही लेवल का यहाँ पे मतलब क्रेज है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा सीजन 13 का यहाँ पे पूरा रॉयल पास आपको आरपी ट्रेजर रेट के अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब आरपी चॉइस के रेट के अंदर जो भी है। यहाँ से आप लोग अपना M13 सीरीज ही चल रहा है, तो मतलब पूरा सीजन 13 का आप यहाँ से रॉयल पास बाय कर सकते हो। ए टू जेड सारी स्किन से यहाँ पे आपको मिल जाएगी, मतलब आप लोगों को बस अपना लक आजमाना है तो आप खोल सकते हो। मैं तो जल्दी खोलता नहीं आरपी ट्रेजर का जो भी है, बिकॉज की इसमें लक बहुत कम वर्क करती है, सब कुछ आपको पॉइंट चले जाते हैं। उससे बढ़िया होगा आप अपना आरपी बैच यूज कर लो। हमारा आज का वीडियो यही थी, कुछ लीक्स एंड नीचे आपको कुछ स्मोक देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी बात कर लेते हैं अपने रिलीज डेट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो अपना पाइनएप्पल ऑर्नामेंट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको अपने सीजन 13 के अंदर देखने को मिला था। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका सीजन 13 का पैरासूट, सीजन 13 का आउटफिट, AKM का स्किन, एंड उसके बाद अपना बस का स्किन, जो कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब सीजन 13 सीजन 4 का सब कुछ है अपने पास। सो बिकॉज के अपने सीजन 1 के प्लेयर है, अपने पास A to Z बोले तो अपना सीजन से लेकर मंथली तक पूरा सीरीज का हर एक चीज़ है। तो अभी बात कर रहे थे इसके रिलीज डेट के बारे में, तो 17 जून को यहाँ पे आपका जो M11 का रॉयल पास है वो एंड हो जाएगा। 17 जून को एंड होने के बाद आपका 2 घंटे लगभग लॉक रहेगा। तो जैसे यहाँ पे 2 घंटा लॉक होता है आपका 18 जून, कुछ भी हो मतलब ओवरऑल M12 रिलीज डेट की बात की जाए, आपका 18 जून मॉर्निंग 7:30 बजे पबजी माई एंड BGMI दोनों के अंदर यहां पे आपको अपना रॉयल पास देखने को मिल जाएगा। ये है हमारा फाइनल कंफर्म रिलीज डेट, मतलब 18 जून को आपको यहां पे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड कमेंट करके बताना कि आपको मतलब रॉयल पास में क्या आपको बेटर लगा। फिलहाल के लिए मुझे बात की जाए तो सारे के सारे रिवार्ड से ठीक ठाक है, मीन्स अपने मंथ सीरीज के हिसाब से आई थिंक बेस्ट रॉयल पास है, बिकॉज कोई बस इनको 50 आरपी का मिथिक आउटफिट चेंज करना चाहिए था, बाकी सब ठीक है। एंड कभी लिए मैं मोड आपको कैसा लगा, एंड बस यही थी आज की वीडियो, यही थी आपको कुछ लीक्स दिखाना था। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों से, ताकि उनको भी पता चले M12 के रॉयल पास के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो मिलते हैं अपने किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। ख्याल रखना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का, तब तक के लिए टेक केयर एंड